दोस्तों आज हम बात करेंगे स्लैंग की। स्लैंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है बोलचाल की भाषा या फिर गवारू भाषा और कच्छ भाषा। स्लैंग तकरीबन दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में होती है और ये हर जगह बोली जाती है। स्लैंग होता कब है? जब लोग तमीज से बात करने की तकल्लुफ नहीं उठाते हैं और चीज़ों को शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं तो उसे ही स्लैंग बोला जाता है। हिंदी में भी कुछ प्रमुख स्लैंग्स हैं जैसे कि तू रापचिक लग रहेला या फिर काहे का इधर ही हो, सुनियो, जरा जही हो, जरा करियो या फिर बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये तमाम जो हैं हिंदी के स्लैंग्स और ऐसे बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश चूंकि एक पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेज है इसीलिए लोगों को, खासतौर से युवाओं को, स्लैंग बोलना और सुनना पसंद आता है। ये पहले खास वर्ग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था लेकिन आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्लैंग को बोलना और सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन होगी आप लोगों से कि आप स्लैंग का इस्तेमाल फॉर्मल राइटिंग और स्पीकिंग में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आप बोलचाल की भाषा तक ही रहने दीजिए और दोस्त यारों के बीच कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रोफेशनल्स कॉरपोरेट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स योर विश। But let's see, today in this session we will talk about the slang of English. दरअसल slang का कोई plural नहीं होता है, इसको हम plural में slang words कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। Number one आता है ant. Ant दरअसल 18वीं शताब्दी में एंट एक डायलेक्ट या फिर स्लैंग के रूप में उभर कर आया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी होने की वजह से आज लोग इसे न्यूज़पेपर में भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी फॉर्मल राइटिंग में भी इस्तेमाल कर देते हैं। स्लैंग को जानने से पहले हमें जानना ये होगा इज़ नॉट, जो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट का होता है इज़न्ट, आर नॉट का होता है आरंट, लेकिन एम नॉट का भी होता है आरंट। एम नॉट को आप एमंट नहीं बोल सकते, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। हैज नॉट को हम शॉर्ट में हैजंट बोलते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। हैव नॉट को हम हैवंट बोलते हैं, लेकिन इन सब को एक साथ एंट बोला जाता है और काफी ज्यादा इसका खास तौर से नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल होता है। आइए हम इसे एग्जांपल से जानते हैं। दरअसल मैं अगर आपसे बोलूं कि आई एंट हैप्पी, यहां पे आई एंट हैप्पी का मतलब हुआ आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आई एंट मनी, यहां पे आई एंट मनी का मतलब हुआ आई हैव नो मनी, चूंकि एंट का मतलब हैवंट, हैजंट, इजंट, आरंट और आरंट भी होता है। अब अगला देखिए, मैंने बोला शी एंट हैप्पी, इसका मतलब शी इज नॉट हैप्पी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं शी एंट एवरीथिंग, शी हैज नॉट एवरीथिंग, इसका मतलब हो गया। दोस्तों नंबर टू पे है आपका गोटा। गोटा दरअसल गॉट टू एक शॉर्ट फॉर्म है गॉट टू का और एक इंग्लिश होती है आई हैव टू गो। इसको याद कर लीजिए और इसी पैटर्न पे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैव टू गो का मतलब होता है मुझे जाना है, या शी हैज टू गो का मतलब उसे जाना है, उस लड़की को जाना है। इसे अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है और ब्रिटिश में भी शी हैज गॉट टू गो या फिर आई हैव गॉट टू गो। तो यहाँ पे गॉट टू को शॉर्ट में गोटा हम बोलते हैं और लोगों ने इसको स्लैंग में बोलना शुरू कर दिया। आई गट गो यानी कि मुझे जाना है, मेरे को जाना है, दरअसल आई हैव गॉट टू गो होना चाहिए और लोग ऐसे भी इसे बोलते हैं। काफी बार आपने मूवीज में, हॉलीवुड की या फिर सीरियल्स में आपने इसे देखा होगा, आई हैव गॉट टू गो या फिर आई गट गो, शी हैज गॉट टू गो और शी गट गो। द पीपल यूज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। नंबर थ्री डिनो। डिनो का मतलब होता है डोंट नो, जैसे आप बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में मुझे नहीं मालूम, डोंट नो या फिर आई डोंट नो, इसे शॉर्ट में बोला जाता है डिनो। I say, hey, do you know me? I am Prakash Singh. As I say, do you know? यहाँ पे do you know का मतलब क्या हो गया? मेरे को नहीं पता. Next, number four. Who you? Who you का मतलब होता है Who are you? ये एक formal English है. आप कौन हैं? और इसको short में बोला जाता है Who you? Who you? तू कौन बे? This is informal contraction which people are using. Number five. वाचा। वाचा का मतलब होता है व्हाट आर यू। इसके साथ आप छठा सीखेंगे गोना। गोना का मतलब होता है गोइंग टू। अब एक साथ अगर इसे हम बोलें व्हाट आर गोना डू, हे व्हाट आर गोना डू, इट मींस व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। अगला हम जानेंगे वाना। वाना का मतलब होता है वांट टू। आपने पार्टनर मूवी देखी होगी जहां पे बोला जाता है डू यू वांट अ पार्टनर, अ हैव पार्टनर, अ हैव पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर। यहां पे वाना का मतलब होता है वांट टू, यानी आई वुड से हे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेट्स कम एंड ज्वाइन अस, बी द बेस्ट, थैंक यू।
अगला आपका आता है लेमी। लेमी का मतलब होता है लेट मी। लेट मी बाय से हे लेमी स्पीक इंग्लिश प्लीज, लेमी गो नाउ, लेमी डू दिस, लेमी डू दैट। लेमी का मतलब हो गया लेट मी। अगला है आपका गिमी। गिमी का मतलब होता है गिव मी। ऐसे है गिव मी $10, गिव मी $10, गिव मी $100, मुझे आप $100 दीजिए, दस आप डॉलर दीजिए। अगला हम बात करेंगे गाइज, ये है शॉर्टा या फिर काइंडा, दोनों का मतलब होता है किस प्रकार का या फिर किस तरह का। शॉर्टा, शॉर्टा का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ, जबकि काइंडा का मतलब होता है काइंड ऑफ। आप उससे हे व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू मिस्टर कैमरामैन, आप किस तरह के इंसान हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, आप किस तरह के इंसान हैं। नंबर 11, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप भाई लोगों के द्वारा यूज की गई लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है क्या हाल चाल है। आप बोलते हैं हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या हाल चाल है और कैसे कर रहे हैं, आप फॉर्मल तरीके से पूछते हैं। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल तरीके से किसी से पूछेंगे, बोलेंगे हे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ड्यूड, I'm doing cool. How about you? Cool. How about you? Something like that. So friends, these were the top 11 informal contractions which are called slang also. You're requested to learn this and use them into your daily spoken English. And if you have any problem regarding this and you want to know more about anything else, you can just write in the comment box. For right now, thank you very much. Stay happy and be the best. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.